जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। दरअसल बड़ी खबर के दौरान थ्रेसर मशीन से गेहूं की फसल को निकलवाते समय ही बड़ी घटना देखने को मिल रही है। दरअसल 10 सेकंड में ही पूरी वारदात को अंजाम मिल गया है। यह पूरा मामला राजस्थान के अलवर जिले के भीलवाड़ा का क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहाँ पर कोटकासिम थाना क्षेत्र के कादैया गाँव में सोमवार देर रात 1:30 बजे की यह घटना है। और सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और बाहर निकलवाने के बाद मोर्चे में भिजवा दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने बताया कि मृतक गजेंद्र राजपूत 40 वर्षीय पिछले 10 साल से कोटकासिम निवासी थ्रेसर मालिक राम निवास के यहाँ काम कर रहा था। सोमवार रात को वह अपने गांव कादैया में रहने वाले गोविंद अहिर के यहाँ थ्रेसर लेकर गया था। और गोविंद अहिर के बेटे रिचपाल 30 वर्षीय ने बताया कि करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में गेहूँ निकाल रहे थे और वो अपने पिता के साथ गेहूँ के कट्टे भर रहे थे। गजेंद्र राजपूत गेहूँ को पिलिया को थ्रेसर में डाल रहा था और 4-5 मजदूर भी उसके साथ लगे हुए थे। अचानक से ही बड़ी घटना को अंजाम मिला है, जिसके दौरान इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। और इस दौरान एएसआई धर्मपाल मीणा ने बताया कि मंगलवार दोपहर 11 बजे ही शव का पीएम करवाने के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी थ्रेसर मालिक की रिपोर्ट के आधार पर मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट को अपनी राय जरूर दें।